अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर दोस्त आज जो रेसिपी शेयर करने आई वो है पटेटो एग कबाब। तो आइए हम बनाते हैं टेस्टी पटेटो एग कबाब। बनाएंगे पटेटो एग कबाब। उसके लिए मैंने यहाँ एक बड़ा आलू लिया है, उसको इस तरह से कद्दूकस करके रखा है मैंने। अब यहाँ पर मैंने दो उबले हुए अंडे लिए हैं, इसको भी हम इस तरह से घिस लेंगे। इस पर दोनों अंडों को हम ऐसे घिस लेंगे। दोनों अंडों को मैंने इस तरह से घिस लिया है इनको भी। अब हम मसाले मिलाएंगे। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें ये भी 1/2 टीस्पून ली है मैंने, हरी मिर्च इस तरह से बारीक काट कर ली है मैंने दो। आप मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबल स्पून मैदा लिया है बाइंडिंग के लिए, वो डालेंगे। अब सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1 बाउल, वो डाल दूँगी मैं, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर भी। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक पटेटो कबाब बहुत टेस्टी बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छे तरह से आप पहले मिक्स कर लीजिए इनको। मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में मैंने हरा धनिया डाला है, इसको भी मैं मिक्स कर। देखिए सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब सबसे लास्ट में हम डालेंगे, यहाँ मैंने एक प्याज बारीक बारीक काट के रखी है, उसको मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके कबाब बनाएंगे। अब हम हाथों पर ऑयल लगाएंगे और कबाब बनाएंगे इसके। इस तरह से आप बनाकर कबाब का शेप दे लीजिए। ये देखिए इस तरह से कबाब बना बना के रख लेंगे हम। देखिए मैंने कबाब बना के रख लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 1 टेबल स्पून, उसको मैंने पानी डालकर और 1 चुटकी नमक डालकर इस तरह से स्लरी बना ली है उसकी पतली। आप इसकी जगह एक अंडा भी ले सकते हैं फेंट कर, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो अंडा या फिर मैदा कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। पहले हम इसको कबाब को मैदे में डिप करेंगे इस तरह से। मैदे में डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में करेंगे इस तरह से। अच्छे से आप ब्रेड क्रम्स में कोट कर लीजिए इस तरह से। सभी कबाब को हम ऐसा कर लेंगे, पहले मैदे में डिप करेंगे फिर ब्रेड क्रम्स में। हमारे सारे कबाब रेडी हो गए हैं, अब हम इसको फ्राई करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं, उसके बाद फ्राई करिए। और अगर नहीं है तो आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ ऑयल को मैंने गर्म करने रख दिया था तेज़ आँच पर, और ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं गैस को मीडियम कर देती हूँ और यहाँ पर एक एक धीरे धीरे कबाब डालती हूँ। ऑयल पहले अच्छे से गरम कर लीजिए, फिर उसके बाद गैस को मीडियम कर दीजिए। देखिए एक तरफ से मीडियम गैस पे हो गए, अब हम इसको धीरे से पलटा देंगे। धीरे धीरे आप ऐसे ही सारे कबाब को पलटा दीजिए। झटपट से हमारे पटेटो एक कबाब बनके तैयार है, और ये जितने अच्छे दिख रहे हैं खाने में भी उतने ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसमें आलू और अंडे का दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।